डेढ़ साल आए हो गया मुझे गांव से, मुझे एक साल के बाद जाएंगे और मैं जब तक मैं सक्सेस ना हो जाऊँ तब तक मैं घर नहीं घर नहीं जाएंगे। अच्छा। कि मैंने कसम खाई। वाओ पुतला है इधर, सही है यार, गोल्डन मैन। तो आपने देखा ये गोल्डन बाबा तो कुछ और ही निकले। आप ऐसे क्यों खड़े हैं यहाँ पे, सबको डराने के लिए खड़े हैं? नहीं मैं चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब चैनल के लिए। कितने बजे से खड़े होते हैं यहाँ पे? मैं 3 बजे से लेके 3-4 बजे होते हैं आप, क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं। हाँ, तो कहाँ से आते हैं? विरार से आते हैं। विरार से आते हैं, 2.5 घंटा सफर का है, फिर जाने का 5 घंटा भी जाता है, 5-6 घंटा ये कर लेता हूँ, 12 घंटे फिर 12 घंटे अपना रेस्ट भी होना चाहिए ना, नहाना धोना। क्या टाइमिंग क्या रहता है आपका, कितने टाइम से? कौन सा टाइम ये खड़े होने का आपका क्या टाइमिंग रहता है? 3-4 बजे से। 3-4 बजे से 8-9 बजे तक। 8-9 बजे सैटरडे का 10 बजे तक भी रहते हैं। अच्छा जी, तो आपको थोड़ा परेशानी नहीं होती है इस तरीके से एक ही जगह खड़े रहना स्टैचू बन के, उसमें कितनी मुश्किल आती है? मुश्किल हुआ था जब फर्स्ट टाइम, कि क्योंकि हमारे को कभी खार नहीं होना था, खार नहीं हो, फिर धीरे धीरे आदत बन गया है, अभी कोई परेशानी नहीं होती है। और पहले अपना हंसी को भी पहले कंट्रोल नहीं हो पाता था, धीरे धीरे हमको हिम्मत हौसला मिलते गया और मैं अपनी हंसी को भी कंट्रोल करते गया, और जैसा एक स्टैचू बॉय होता है वैसा मैंने अभी बन गया। अच्छा, स्टैचू बॉय बन गया, बन गया, मतलब कि ये अब आदत हो गई करते। हाँ, करते आदत हो गया। और इसका क्योंकि कोई भी इंसान पहली बार आएगा मेकअप लगा के तो पब्लिक के बीच में ऐसे नॉर्मल नहीं खड़ा हो सकते, नहीं खड़ा हो सकते, उसका हंसी आ ही जाएगा। हाँ। तो ये अपने आप को कंट्रोल हो गया, क्योंकि मुझे एक्टिंग का कुछ ना कैसे भी करके सक्सेस पाना था। हाँ। तो अपने आप को हंसी कंट्रोल हो गया, अब मुझे कोई भी अगर चैलेंज भी कर सकता है तो मेरा बिना टच के हंसा नहीं सकते। अच्छा, सक्सेस ना हो जाऊँ तब तक मैं घर नहीं घर नहीं जाएंगे। अच्छा। कि मैंने कसम खाई, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कलर करके पूरे गांव जान ही गया है पूरा समाज, तो मैं इससे अर्निंग करके यहाँ क्योंकि मैं दिखाऊंगा, इसलिए सुनता सबका हूँ, करता अपना मन का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अपने मन का कीजिए। आपके घर वालों को या आपके गांव वालों को, आपके गांव के फ्रेंड्स को ये सब पता चलता है कि आप ऐसे करके काम कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन आता है आपको सपोर्ट करने के लिए? हाँ, ये गांव से अच्छा रिएक्शन मिलता है, सपोर्ट अच्छा मिलता है, और गांव वाले बोलते हैं, मेरे फ्रेंड बोलते हैं अच्छा कर रहा है, अपना गाँव घर का नाम रोशन कर रहा है। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हंसी मजाक भी उड़ाते रहेंगे, ऐसा कोई है आपको जो डिमोटिवेट करता हो? ऐसे तो सामने से गांव में बोलते हैं, लेकिन ऐसा फ़ोन पर किसी ने बोला नहीं, जितना सभी ने सपोर्ट किया। फ़ोन पर सब अच्छा कर रहा है। अच्छा। बोल रहा है कि तुम्हारा वीडियो कब आएगा कब आएगा, तो हम कल ही अरे कोई मेरे से पास रील बनाना है तो ना, तो कभी कभी आता है तो बनता। अच्छा। है तो हम उन लोगों तक बोलता है कि कभी कभी माइंड ऐसे होता है तुम्हारा वीडियो देख के ये हो जाता है, हम कल ही अच्छा लगता होगा वीडियो देख के, उनको खुशी मिलती होगी, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता होगा। नहीं, गाँव का लड़का जो हम साथ खेत में काम करता था, खेत में कुछ भी करता था, आज वो मतलब कि बड़े बड़े अच्छे वीडियो बना रहे हैं लड़कियों के साथ, ये सब। तो गांव जाते तो आपके फ्रेंड्स लोग आपके साथ फोटो वोटो खिंचाते हैं कि नहीं? नहीं जी, मैं जब से बना तब से गए नहीं। अच्छा, अभी गए नहीं है तब से? नहीं, जब तक मुझे यूट्यूब अर्निंग नहीं कर दे सक्सेस ना मिल जाए, हाँ तब तक ठाना है कि मैंने जाऊँगा नहीं। गोल्डन कलर ही क्यों चूज़ किया, सिल्वर कलर भी लोग ऐसा डाल के आते हैं, और भी बहुत सारे कलर हैं, सिर्फ गोल्डन की क्यों? क्योंकि मैंने गोल्डन बॉय का ही मैंने देखा था वीडियो। अच्छा। और मैंने उसी से मोटिवेट हो गया, उसी से इंस्पायर हो गया, और मैंने लगा कि चांदी से अच्छा गोल्डन होता है। चांदी से अच्छा गोल्डन होता है, क्या मैंने ये ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए लेना आपके लिए कितना मुश्किल था, मतलब आपका फर्स्ट स्टेप लेना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? फर्स्ट जब ये था उससे मैंने 2 महीने पहले से ये बात सोचा था। हाँ। कि मैं बनूंगा बनूंगा बनूंगा, तो मैं जॉब करता था। हाँ। फिर जॉब से जॉब भी अचानक छोड़ के नहीं कर सकता था। क्या जॉब करते थे? वही मजदूरी जॉब ही हो। हाँ, तो वही जॉब करते थे, तो फिर लगा कि चलो अगर नई फिल्म ट्राई करते हैं, तो जिस दिन होता है ना छुट्टी के दिन उस दिन करते हैं। अच्छा। तो मैंने उस दिन छुट्टी के दिन ट्राई किया, ऐसे छुट्टी दिन ट्राई किया, एक दिन किया, 2 दिन किया, छुट्टी मार के ट्राई किया, हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन चलता गया, काम भी करता रहा। इसके बाद देखा कि मुझे इसमें सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो फिर मैं उसमें मैम को बोल दिया कि मैम कि आपका मैं आपकी जॉब नहीं करना है। हाँ। कि मेरा कि कोई और फील्ड है। ओके, ओके। तो आपको खुशी मिल गई ये सब करने में, अभी कैसा ग्रोथ कर
हाँ इसमें देखिए गोल्डन बॉय बनने को पब्लिक सपोर्ट मिलता है हाँ। लेकिन लेकिन हमको खुद के अच्छा नहीं लगता है ये मेकअप वेकअप, लेकिन लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता है तो और हमको भी इसके माध्यम से ही विकास होता है, तो हम पब्लिक के लिए और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये कलर आप कैसे लगाते हैं, इसको किसी को देते हैं ऐसा करने के लिए या खुद से ही आप करते हैं इसमें? नहीं, गोल्डन कलर ये सब कहाँ से लाते हैं? खुद से करते हैं, खुद का मेकअप खुद ही करते हैं? खुद से मेकअप। ये और डेली चेंज करते हैं या सेम ड्रेस रहता है? सेम ड्रेस रहता है, तो कभी वॉश नहीं करते? हाँ, ये गोल्डन कपड़ा है, 15-20 दिन एक दिन साफ होते हैं। अच्छा, ये गोल्डन कपड़ा। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताली बजाओ रे। थैंक यू।